नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए राम मंदिर से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ओनली 17 टॉप क्वेश्चंस है, तो इनको एक बार चेक कर लीजिए। आपने पढ़ ही रखा है राम मंदिर के बारे में, तो एक बार अपना टेस्ट दे लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके लिए थोड़ा समय दिया जाएगा, तो क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई कब पूरी कर ली थी? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई जो है 16 अक्टूबर 2019 को पूरी कर ली थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई जो है राम मंदिर विवाद की, अयोध्या विवाद की, पूरी हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 16 अक्टूबर 2019 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अयोध्या विवाद जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? सुनवाई तो पूरी हो चुकी थी 16 अक्टूबर को, लेकिन फैसला कब सुनाया गया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो है 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अयोध्या विवाद में कितने एकड़ जमीन पर फैसला किया गया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो अयोध्या विवाद में 2.77 एकड़ जमीन लगभग लगभग जो है इस विवादित जमीन पर फैसला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी बताइए। चलिए देखते हैं। तो अयोध्या विवाद में लगातार जो है 60 दिन तक सुनवाई चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी पक्षों की सुनवाई जो है लगातार अयोध्या विवाद में 60 दिन तक सुनवाई चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में मिला? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो अयोध्या विवाद का फैसला जो है राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में मिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जगह मिली है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन का फैसला किया गया, जगह मिली है 5 एकड़। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अयोध्या की मस्जिद का नाम क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अयोध्या में जो मस्जिद विवाद हुआ था, उस मस्जिद का नाम है बाबरी मस्जिद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो अयोध्या विवाद का फैसला जो है 5 जजों की बेंच ने सुनाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अयोध्या विवाद का फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा चार जज जो थे, कौन से थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 4 जज थे, तो चारों जजों का नाम ही इसमें लिखा हुआ है। अयोध्या विवाद फैसला सुनाने में जो जज रंजन गोगोई के साथ जो थे अलावा, तो वो थे DY चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। ये 4 जज और रंजन गोगोई, इन सभी 5 जजों ने मिलकर अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अयोध्या विवाद के फैसले के बाद राम मंदिर बनाने के लिए कितना समय दिया गया है? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं। तो अयोध्या विवाद के फैसले के बाद राम मंदिर बनाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो राम मंदिर का फैसला आने के बाद में अयोध्या में, राम मंदिर का फैसला आने के बाद में अयोध्या में जो है 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर जो था, किस वंश का शासक था बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए देखते हैं। तो बाबर जो था मुगल वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ स्क्रीन पर अयोध्या किस नदी के किनारे है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील कौन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील जफर याब जिलानी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अयोध्या का नाम प्राचीन जो है फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे राम मंदिर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सरप्राइज क्वेश्चन। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बताना है गोरखपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।